हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आए। जो आपको बताया, चाइना ताइवान की जो लड़ाई चल रही है, और साथ ही साथ जो यूएस के जो स्पोक पर्सन है पेलोसी, वो विजिट करने वाली है ताइवान में। तो गाइस, कितनी बड़ी बात हो रही है, आप खुद सोच सकते हो। उसी के साथ जैसे यहाँ पर हेडलाइन है, चाइना ताइवान टेंशन पोस्ट पेलोसी विजिट लाइव अपडेट्स। चाइना क्लेम्स प्रेजेंस मिसाइल स्ट्राइक्स इन ताइवान स्ट्रेट से एक्सपेक्टेड आउटकम वॉज अचीव्ड। ताइवान ऑफिशियली हैव सेड चाइनाज ड्रिल्स वायलेट यूनाइटेड नेशन रूल्स इन वे ताइवान्स टेरिटोरियल स्पेस एंड आर डायरेक्ट चैलेंज टू फ्री एयर एंड सी नेविगेशन। तो गाइज देखिए, पहले यूक्रेन और जो रशिया की लड़ाई हो रही थी वो कम थी, कि जो अब चाइना ताइवान की स्टार्ट हो गई है गाइज, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये पता है कि जब भी लड़ाई हुई है तो मार्केट पे इफेक्ट बहुत पड़ा है। तो पहले हम ये आर्टिकल्स पढ़ लेते गाइज। जैसे कि देखिए, चाइना सेज इट कंडक्टेड प्रेजेंस मिसाइल स्ट्राइक्स इन द ताइवान स्ट्रेट थर्सडे एज पार्ट ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज दैट हैव रेज टेंशन इन द रीजन टू देयर हाइएस्ट लेवल इन डिकेड्स। अर्लियर रिपोर्ट्स सेड दैट चाइनीज नेवी शिप्स एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट ब्रीफली क्रॉस द ताइवान मेडियन लाइन ऑन थर्सडे मॉर्निंग, एंड मतलब बॉर्डर क्रॉस करने वाले थर्सडे मॉर्निंग में। आप ये देखिए कितनी बड़ी बात हो रही है। अब ताइवान भी अपनी जो उधर के लोग हैं, जैसे कि यूक्रेन अपने लोगों को तैयार कर रहा था वॉर के लिए, ताइवान भी अपने वहां के सिटीजन्स को तैयार कर रहा है वॉर के लिए। गाइज एक न्यूज़ ये भी है, उसके साथ साथ आप ये देखिए जो कि यहाँ पर रहा है कि अर्लियर रिपोर्ट्स एट दैट चाइनीज नेवी शिप, जो मिलिट्री शिप है एकगा, वो ताइवान की जो बॉर्डर लाइन को क्रॉस करेगी थर्सडे को। ताइवान हैज़ डिप्लॉयड मिसाइल सिस्टम एंड नेवी शिप्स टू मॉनिटर बीजिंग एक्टिविटी। द डेवलपमेंट कम्स अ डे आफ्टर अ विजिट बाय US House of Representatives Speakers Nancy Pelosi to the self-ruled Iceland, the Beijing regards as Chinese territories. तो guys, जैसे कि मैंने आपको बताया कि US और जो मतलब यूक्रेन और जो रशिया की लड़ाई हुई थी, उसमें भी US ने बहुत डायरेक्ट रोल दिखाया था, उसमें भी काफ़ी हस्तक्षेप किया था। उसके साथ साथ अब देखिए चाइना ताइवान में भी कर रहा है। आप ये देखिए, द डेवलपमेंट कम्स टू विजिट करके, मतलब यूएस की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर्स है वो विजिट करने वाले हैं ताइवान में। एंड मीनवाइल चाइना हैज़ लॉन्च अनप्रेसिडेंटेड लाइव फायर मिलिट्री ड्रिल्स इन सिक्स एरियाज दैट रिंग ताइवान थर्सडे। मतलब अनप्रेडिक्टेड जो फायरिंग करने वाला है वो थर्सडे तक, विच ताइवान हैज टर्म्ड एज अ वायोलेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन रूल्स एंड इन्वेशन ऑफ ताइवान टेरिटोरियल स्पेस एंड अ डायरेक्ट चैलेंज टू फ्री एयर एंड सीज नेविगेशन। कैसे देखिए, मैं आपको ये न्यूज़ दिखाकर डराना नहीं चाहती, मैं बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि इस न्यूज़ से मार्केट भी इफेक्ट करती है गाइज, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। जैसे कि अभी आपको पता था, जब यूएस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही, सॉरी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी, तो कितनी सारी चीज़ें इफेक्ट होती है हमारी, काफ़ी हमारे फ्यूल बढ़ गया था, हमारे जो राशन था वो बढ़ गया था गाइस, बहुत सी चीज़ें थी जो कि हो रही थी गाइस। तो उसी के साथ साथ आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। जैसे कि अब आपको मैं एक चीज़ दिखा देती हूँ, जो स्टॉक्स हैं, जिसकी निफ्टी फिफ्टी देखिए, जो ये भी मतलब आप भी देख रहे हैं 4 अगस्त का टाइम में यहाँ पर वो कितने परसेंट से गिरा है, 45% के अकॉर्डिंगली वो गिर गया है। वही डॉन जोन्स का शेयर्स है, वो भी थोड़े दिन पहले गिरा हुआ था, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा ये बड़ा हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर 32,812 पे स्टॉप हो चुका है। वहीं निफ्टी 50 70,382 पे स्टॉप हो चुका है। तो गाइस मतलब जो प्राइस बढ़ने थे और जो घटने थे, ये सब जो होता है ये वॉर के अकॉर्डिंगली ही होता है। अब आप देखिए, वॉर चल रही थी पहले यूक्रेन और उसकी रशिया की, उसकी वजह से कितनी चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं पब्लिक को, वहाँ की पब्लिक को भी, अपने इंडिया की पब्लिक को भी, और स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स, हमारी निफ्टी, इन सब बैंक निफ्टी, इन सब चीज़ों में भी बड़ी हलचल देखने को मिली है। कोई कोई सी कंपनी के स्टॉक गिरे जो वहाँ पर इन्वेस्ट कर रखे थे, कोई कोई सी कंपनी के स्टॉक बहुत अच्छे गए ऊपर, तो बहुत सी चीज़ें इफेक्ट हुई है। वहीं अब चाइना ताइवान की लड़ाई हो गई है, तो चाइना ताइवान की लड़ाई की वजह से अब कितनी मार्केट गिर सकती है, अभी तो देखिए गाइस मार्केट गिर रही है, अब वो कितनी और जाएगी, गिरेगी, अब कौन से और कंपनी के स्टॉक ज्यादा गिर सकते हैं या बढ़ सकते हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तो न्यूज़ के अकॉर्डिंगली ही मैं आपको बता पाऊंगी, उसकी इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगी। तो गाइस डराने की कोई बात नहीं है मेरी आप लोगों को, बस मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि चाइना ताइवान की लड़ाई से हमारे स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट हो रहा है।
तो आप अपनी नज़र बनाए रखें, किसी भी स्टॉक को, किसी भी कंपनी के स्टॉक को आप खरीद रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसको सोच समझ के कंपनी की परफॉर्मेंस को देख के उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट करें। तो आई होप गाइस आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। गुड बाय गाइस, थैंक यू।